आप देख रहे हैं मेट्रो आज तक। पारसियों के नए साल नवरोज पर जहां पूरा पारसी समाज खुशियां मना रहा है, वहीं एक परिवार ऐसा भी है जिसे अपने बेकसूर एचआईवी पॉजिटिव बेटी की वजह से समाज से निकाल दिया गया है। पारसी पंचायत के इस रवैये के खिलाफ अब ये परिवार अदालत जाने की सोच रहा है। नवरोज के दिन अपने ठीक होने की दुआ मांगती 15 साल की मित्रा ईरानी एचआईवी इन्फेक्शन की शिकार हैं और अपनी इसी बीमारी की वजह से मित्रा ये त्योहार पुणे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नहीं मना सकी, क्योंकि इस पूरे परिवार को पुणे की पारसी पंचायत ने समाज से बाहर कर दिया है। बहिष्कार किए जाने के बाद ईरानी परिवार ने पुणे के बन गार्डन पुलिस स्टेशन में पारसी पंचायत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मेरी बेटी को एड्स है ना, तो वो लोग को लगते है कि उनके ऊपर भी कलंक लग जाएगा कि उनके समझो बहू बेटी रहेंगी समाज के अंदर, मेरी बेटी के साथ समझा साथ में कहीं भी जाएंगे तो उनका भी नाम खराब हो जाएगा। 3 साल की छोटी उम्र में मित्रा टीबी के इलाज के लिए पुणे के KEM अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां उसे डॉक्टर की लापरवाही की वजह से संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। जब ईरानी परिवार को इस बात का पता चला तब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट ने फैसला ईरानी परिवार के हक में जारी कर अस्पताल को मित्रा के इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया, लेकिन अब समाज के बहिष्कार ने उन्हें हिला कर रख दिया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस मोर देन द चाइल्ड, बच्चे से ज्यादा तो हम लोग को पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है, और मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में मेनी टाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर द सेक ऑफ हर मेडिसिन, शी इज अ चाइल्ड सो शी डजंट अंडरस्टैंड। हालांकि कानून के साथ तो वो अपनी जंग जीत चुकी है, लेकिन अपने ही समाज में स्वीकृति पाने के लिए वो अब भी जूझ रही है, इसी उम्मीद के साथ कि शायद आने वाले साल की खुशियां वो अपने पारसी समाज के साथ मिलकर मना सके। प्रचेता शर्मा, मुंबई आज तक। मेट्रो आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 11:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे महानगरों की कुछ और खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सबसे तेज आज तक। मेट्रो आज तक के प्रायोजक थे एड एक्साइट।